तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फोन 3 की। और आपने इंटरनेट पर देखी होंगे कि कितने ज्यादा रूमर्स आ चुके हैं जियो फोन 3 को लेकर। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितने सारे वीडियोस हैं, गूगल पर भी सर्च करेंगे जियो फोन 3 तो बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जिनमें पता नहीं क्या क्या दावा किया जा रहा है कि अगर आप यह स्मार्टफोन खरीदेंगे तो मुकेश अंबानी आपको फोन में से निकल के चुम्मा दे देंगे या फिर अपनी जायदाद पूरी नाम कर देंगे आपके नाम। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इन्हीं के बारे में कि आखिरकार जियो फोन 3 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या रूमर्स हैं। और मैंने सारे रूमर्स एक तरह से इतने से कंबाइन कर लिए, यानी बहुत सारी वेबसाइट से पढ़े उन्होंने कि कंबाइन कर लिया और एक जियो फोन 3 को बनाने की कोशिश की है कि आखिरकार जियो फोन 3 कैसा आएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जियो फोन 3 के बारे में। तो देखिए अगर हम इस फोन की बात करें तो आपको पता है जियो फोन बनाया था वो आया था एक कीपैड स्मार्टफोन, उसके बाद जियो फोन 2 आया जो कि एक ब्लैकबेरी की तरह ही कॉपी था, यानी क्यूटी कीबोर्ड मिला। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह आएगा एक स्मार्टफोन यानी टच स्क्रीन स्मार्टफोन। तो इसमें जो डिस्प्ले रहेगी यानी इसका जो थोपड़ा रहेगा वह रहेगा 5 इंच का, जो जियो फोन 1 और 2 में था 2.4 इंच का। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो वह आपको मिल सकता है 5 मेगापिक्सल का। और अभी तक जो जियो फोन 1 और जियो फोन 2 थे वह चलते थे काई ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी काई ओएस पे। और यहाँ पे आपको शायद जियो फोन 3 में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंड्रॉयड गो यानी यह रन करेगा एंड्रॉयड पर। और अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी 3000 mAh तक की बैटरी और 2GB RAM, साथ में 64GB इंटरनल मेमोरी जिसमें आप अपना कार्ड घुसेड़कर और भी बढ़ा सकते हैं इसकी मेमोरी। और इसमें ये कितनी शानदार चीज मिलने वाली जो कि आजकल आईफोन में भी नहीं मिलती, वन प्लस में भी नहीं मिलती और ऐसे बड़े बड़े किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलती, वह आप समझ ही गए होंगे क्या चीज है। वह है छेद जो कि कोई नहीं देता आजकल, जो कि 3.5 mm जैक का होल वह कोई नहीं देता, इसमें मिलने वाला है। लेकिन और अगर हम इसके और सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे जो चुटुर पुटुर खटर फटर जितने भी सेंसर होते हैं उनमें से बहुत चीजें नहीं मिलने वाली, जैसे कि मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी शायद नहीं मिलने वाले हैं। रूमर्स के हिसाब से इसमें सिर्फ एक्सेलेरोमीटर ही मिलेगा। और मैं अगर आप नहीं जानते कि यह क्या सेंसर है चुटुर पुटुर खटर फटर सेंसर, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आप आई बटन पर लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने समझाया कि कौन सा सेंसर क्या करता है। तो आप आई बटन पे यहीं कहीं वीडियो मिल जाएगी। और बस यही था स्मार्टफोन के बारे में जो मैंने सारे रूमर्स कंबाइन किए और यह एक स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की। तो रूमर्स के हिसाब से यह जो स्मार्टफोन है यह शायद जुलाई में लॉन्च होगा और अगस्त तक आपको यहाँ पे आपको डिलीवरी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी डिलीवरी होने लगी स्मार्टफोन की और आप जुलाई में शायद इसे बुक कर सकेंगे जो भी जियो की वेबसाइट आएगी उससे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और धार में उस घंटी को दबा दीजिए। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जियो फोन 3 कैसा आएगा। तो अपने जो भी आपकी चीजें हैं आप बताइए क्या क्या समझते हैं जियो फोन 3 के बारे में, कैसा आने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।